क्या है पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के प्यार और सोशल मीडिया में तैरती तस्वीरों की सच्चाई? कौन है इटली की खूबसूरत पीएम जॉर्जिया जिन्होंने भारत और मोदी के लिए चीन की नींद उड़ाई? जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर पीएम मोदी ने लिया हिला देने वाला फैसला, इटली के साथ हुई सबसे बड़ी डील। G20 की बैठक खत्म हो गई लेकिन जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की कहानी ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की तस्वीरों को कोई प्यार बता रहा है तो कोई कह रहा है कि मोदी सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्री से मिलकर पिघल गए। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस रिश्ते को क्या नाम दें, तो इस रिश्ते की गहराई को आप ऐसे समझिए कि मोदी से मिलने के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के दुश्मन चीन को ऐसा झटका दिया है कि शी जिनपिंग चीन में बैठकर फड़फड़ाने लगे हैं। 46 साल की जॉर्जिया मेलोनी उसी इटली की प्रधानमंत्री है जिस देश की सोनिया गांधी रहने वाली है, लेकिन काम और सोच बिल्कुल पीएम मोदी से मिलती है। जॉर्जिया कट्टर इस्लाम के खिलाफ है और सनातन की इज्जत करती है, और सबसे खास बात यह है कि मेलोनी भारत से बहुत प्यार करती है। जॉर्जिया मेलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा पॉपुलर भी है। अपने देश इटली में वो बेहद कम उम्र में ही लोगों के बीच छा गई थी। उनके विचार और बयान आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं, लेकिन पिछले एक साल से जॉर्जिया मेलोनी भारत के साथ नजदीकियां बहुत बढ़ा रही हैं और ये बात दुनिया के कई देशों को परेशान कर रही है। पिछले साल ही इटली की पहली महिला पीएम जॉर्जिया मेलोनी बनी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी के साथ उनकी नजदीकी दुनिया को परेशान कर रही है। 6 महीने के अंदर जॉर्जिया मेलोनी भारत दूसरी बार आई है। पिछली बार जब भारत आई थी उस दौरान कहा था कि मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इस बार जब जॉर्जिया G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आई तो मोदी के साथ उनकी एक अलग ही बॉन्डिंग नजर आई। एक्स और सोशल मीडिया पर जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिनमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी से मिलने के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से चीन के अंदर खलबली मच गई है। जॉर्जिया को मनाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने प्रधानमंत्री कियांग को भेजा जो जॉर्जिया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी कि BRI की शुरुआत की थी। BRI जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जरिए वो चीन को एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहता है। इसे नया सिल्क रूट भी कहा जा रहा है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को भी चारों तरफ से घेरना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा इटली भी है, लेकिन अब मोदी से मिलने के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने इस प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पीएम मोदी की वजह से ही जॉर्जिया मेलोनी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। वहीं चीन को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की घोषणा की है। चीन को छोड़कर इटली अब भारत की इस योजना में शामिल होगा, मोदी से मिलकर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है। हमारी सरकार हमारे संबंधों को भारत के साथ और भी आगे बढ़ाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि मैं अप्रूवल रेटिंग के मामले में मोदी जी की बराबरी नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं। इटली के पीएम का भारत के लिए ऐसा प्यार देखकर भारत के लोग बहुत खुश हैं और खूब तारीफ कर रहे हैं। G20 की बैठक खत्म हो गई लेकिन अब इंटरनेट पर मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के वीडियो और फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तरह तरह के मीम्स और वीडियो वायरल हैं जिनमें पीएम मोदी से हाथ मिलाते और बातें करती हुई जॉर्जिया मेलोनी दिख रही है। एक वीडियो में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जॉर्जिया मेलोनी कहती है कि मोदी दुनिया के सबसे प्यारे पीएम है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की विचारधारा लगभग मिलती जुलती है। यही वजह है कि शायद दोनों लोग जब भी मिलते हैं देखकर कई देशों को मिर्च लग जाती है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी है क्योंकि इटली अब चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग होने वाला है। वैसे पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच इस खास रिश्ते की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन इस पर आप क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।